हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प एमके। आज आपको दिखाएंगे, आप क्या जानते हैं मीटर में जो ये सिंबल आता है ये क्यों आता है, और इस सिंबल का फंक्शन क्या है, और ये सिंबल आता है तो आपको गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होगा, और ये सिंबल हटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आप नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में दिखाएंगे ये दोनों जो सिंबल आता है सिंबल का क्या काम है। ये बगल वाला सिंबल तो सभी जानता है, ये सिंबल जो आ रहा है ब्रेक दाबने से आता है, और जो एम वाला सिंबल आ रहा है अभी उसका फंक्शन बताएंगे जो बाएं तरफ एम वाला सिंबल आ रहा है। ठीक है, दोनों फंक्शन डिटेल्स में बता देंगे, और एम वाला जो फंक्शन है वो आने से गाड़ी का क्या प्रॉब्लम होगा और गाड़ी नहीं चलता है क्यों नहीं चलता है वो भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एम कंटिन्यू आपका लिखा आएगा मीटर बॉक्स पर। ठीक है, एम वाला सिंबल जो है एक्सीलेटर देने पर वो गाड़ी नहीं चलेगा। देखिए, एक्सीलेटर देने से आपका जो पीछे का मोटर है वो घूमेगा नहीं। देखिए, ये नहीं घूम रहा है, मोटर घुमाने से भी नहीं घूमता है एक्सीलेटर देने पे। तो इसका मतलब है आपका जो मीटर में एम शो कर रहा है, देखिए कंटिन्यू ये जो एम शो कर रहा है, देखिए इसमें एम लिखा हुआ है, ऐसा सिंबल आएगा। देखिए, इसमें एम मतलब मोटर का प्रॉब्लम है, ये कंटिन्यू आएगा। कुछ कुछ गाड़ी में ये ब्लिंक भी करता है, लेकिन ज़्यादातर गाड़ी में एम लिखा ऐसा आ जाता है, और कुछ गाड़ी में एम आके बंद हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, एम मतलब मोटर का प्रॉब्लम है, पीछे जो मोटर होता है उसका प्रॉब्लम है। और दूसरा जो सिंबल है पीछे का ब्रेक दबाने से आता है, देखिए ये जो सिंबल राइट तरफ जो सिंबल आ रहा है, ये वाला जो आपको हम मार्क करके दिखा रहे हैं, ये सिंबल सामने ब्रेक दबाइए या पीछे ब्रेक दबाइए, कोई भी ब्रेक दबाने से ये सिंबल आता है। देखिए, हमने अभी पीछे का ब्रेक दबाया हुआ है तो सिंबल आ रहा है, तो वो सिंबल दबा होने से गाड़ी नहीं चलता है। वो ब्रेक का स्विच जो होता है ऑटो कट स्विच, वो ख़राब हो जाने से कभी कभी वो ऑन होकर रह जाता है। तो वो अभी इस गाड़ी में नहीं हो रहा है, ब्रेक छोड़ देने से वो सिंबल चला जा रहा है, मतलब ब्रेक स्विच जो होता है ऑटो कट स्विच वो ठीक काम कर रहा है। अभी तो हम दबा रहे हैं, दबा के हैं, इसीलिए स्विच सिंबल दिखा रहा है, छोड़ देने से वो चला जाएगा। और जो बगल में एम वाला स्विच आ रहा है उसका मतलब है मोटर का प्रॉब्लम है, मोटर का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो एम वाला सिंबल आपको कंटिन्यू दिखाएगा। कुछ कुछ मॉडल में एक बार दिखा के चला जाता है, तो इस मॉडल पर हुआ है मोटर प्रॉब्लम, मोटर का होल सेंसर प्रॉब्लम होता है तो भी दिखाता है ऐसा एम वाला सिंबल। और मोटर का जो स्टार्टर और रोटर जो एक साथ लग जाता है, मतलब जाम घूमता है या बियरिंग खराब होता है तो भी वो एम वाला सिंबल दिखाता है, और होल सेंसर खराब होने से ज़्यादातर ऐसा दिखाता है। तो चलिए, मोटर खोल कर आपको दिखाएंगे जो सिंबल चला गया। तो देखिए, मोटर खोल लिया, उसके बाद यहाँ पर सिंबल नहीं है, आप देख पा रहे हैं। देखिए, ऑन ऑफ कर रहे हैं चाबी, फिर ये सिंबल चला गया। देखिए, सिंबल नहीं है, सिंबल इसलिए नहीं है, मोटर हमने खोल लिया है, मोटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया, मतलब कनेक्शन नहीं है इसीलिए सिंबल चला गया। देखिए, ये मोटर खोल लिया। ठीक है, ये मोटर वारंटी पे जाएगा, ये अभी तक गारंटी में है एक साल, तो इसीलिए इसको खोलेंगे नहीं, कंपनी का पास भेज देंगे, वो आ जाएगा, नया दे देगा या होल सेंसर बदल के दे देगा। तो ये एम्पेयर रियो एलआई और एम्पेयर प्लस में सब मॉडल में सेम प्रोसेस है, और दूसरा कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा तो सभी मॉडल में ऐसा सिस्टम रहता है। और मोटर का होल सेंसर बदलना आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।